मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने तिरंगा रैली की थी, और मैं मुझे याद है पहली बार जो तिरंगा उठाया था, जो आपने भी उठाया था और उसमें आप आगे आगे चले, लेकिन क्या आपको उस तिरंगे की हिस्ट्री पता है? क्या आपको उस तिरंगे का कलर पता है? क्या आप उस तिरंगे के बारे में कुछ जानते हैं? आज अब आपको बताइए। अभी आजान हो गई, अभी आजान हो गई। जावेद साहब, मेरे टाइम पे इस सवाल पे आजान हो जाती है, फिर एक बार आजान हो गई आपके लिए। आगे बढ़े, मुझे बताइए इंडिपेंडेंस हम मनाते हैं उसकी तारीख मुझे बता दे। सबको पता है, सबको पता है, आपने मुझे खाना बुलाने रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे बता दे। मैं आज आपसे जानना चाहूंगा, ये जो तिरंगा है, आपसे जानना चाहूंगा इसके जो तीन कलर है, जावेद साहब जरा मुझे गिनवा दे कौन कौन सा कलर ये है? हमारी देखो बात सुनो, इसके लिए हर एक हिंदुस्तानी ने कुर्बानी दी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तिरंगे का कलर क्या है। जो मैंने आपका कहा था कि जो हमारा तिरंगा है उसके तीन कलर है, और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला कलर है वो सैफ्रॉन कलर है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है वो व्हाइट है, और जो बॉटम कलर है वो ग्रीन है। तो जरा सा मैं उम्मीद करूंगा आप इसको याद रखेंगे, ताकि अगर भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के लीडर ये कहते हैं कि सिर्फ हम नेशनलिस्ट है बाकी नहीं है, तो आपको याद दिला दूं कि आपसे बड़ी भी नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने जान गंवा दी है। और हम सब, क्योंकि हमें याद है कि जब भी कौमी तराना गाया गया, जो लोग बैठे थे उन्हें एंटी नेशनल कहा गया, जिन्हें याद नहीं था उन्हें एंटी नेशनल कहा गया, क्योंकि जावेद साहब एक एक्टिव लीडर माने जाते हैं। आज जरा आप हमें कौमी तराना सुनाएंगे आखिर में? मैं यही कहता हूं भाई, मैं कौमी तराना आपको सुनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं कौमी तराना आपको सुनाने के लिए नहीं आया हूं।